आई एम सिंधी एंड सिंधियों में हम क्या रिस्पेक्ट देते हैं जिन लोगों से हम सीखते हैं या जो करते हैं तो हम कहते हैं एंड आई थिंक ये तो मेरा कल्चर है, हजारों साल पुराना कल्चर है मेरा, ठीक है। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, वहां तक हमें ठीक है, सही है। अच्छा, अब ये बात है, ये आपकी टीम है, आप अपनी टीम से तो वाकिफ हैं आप, बिल्कुल। उन्होंने ये कॉन्ट्रोवर्शियल तरीन सवाल निकाले हैं आप, अच्छा। उन्होंने कहा ये आपने शहरयार से पूछने हैं, मैंने बोला नहीं नहीं पूछूंगा, मना कर दिया, आपने नहीं, फिर उन्होंने कहा आपका चेक नहीं आया, मैंने कहा चलो ठीक है यार पूछ लूंगा, चेक ना रोकना भाई, चेक तो जरूरी है। अच्छा, इन्होंने कहा यार कि आप ये गए फिल्म फेयर अवार्ड्स पे, मिडिल ईस्ट फिल्म फेयर अवार्ड्स में, बिल्कुल, वहां पे आपने नवाजुद्दीन साहब के पैर छू लिए, तो उसके ऊपर बड़ा बैकलैश हुआ, कंट्रोवर्सी होगी कि यार आपने एक एक तो ये कि भारतीय अदाकार है वो, एक थोड़ी सी एक है इंडिया पाकिस्तान की चपकलिश, उसमें आपने एक भारतीय अदाकार से मिले और मिले भी क्या, आपने पैर ही छू दिए, तो इसके ऊपर क्या आप कहेंगे, ये कंट्रोवर्सी जो क्रिएट हुई, कहूंगा क्या, वो तो वीडियो है, देख लिया होगा आपने, मैंने तो देख लिया लेकिन लोगों ने नहीं देखा कुछ, नहीं देखिए इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि कभी, अच्छा सॉरी मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, उसके बाद हाल ही में रिसेंटली हमने फहद मुस्तफा को भी देखा, गालिबन वो भी फिल्म फेयर अवार्ड्स पे थे मिडिल ईस्ट पे, और उन्होंने गोविंदा जी के पैर छुए, अच्छा हाँ ये भी हुआ, अच्छा ये भी हुआ, ये भी हुआ, अगले साल हुआ आपसे, मैं आपको ये बताऊँ की एक तो कभी कभार अनफेयर बात ये होती है कि कभी कभार आप अपने पर्सनल लाइफ में जो मोमेंट कर रहे होते हो वो इट्स नॉट मेंट टू बी पुट ऑन स्टेज, मतलब मैं स्टेज पे जाके कुछ नहीं करा, मैं ऑन ड्यूटी नहीं था, इट वाज अ लाइटर मोमेंट एंड वो मजाक हो रहा था, और वो मजाक ऐसे हो रहा था कि मैं मायरा जी थी मैं था और नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब थे, हम तीनों आपस में बात कर रहे थे, एज फ्रेंड्स बात कर रहे थे, एंड मैं उनको बताया था कि यू नो एंड राइटफुली सो, मैंने कहा सर मैं बहुत बड़ा फैन हूँ एंड विच इज़ ट्रू, मैं हूँ, मैं जब से उनकी गैंग्स वासीपुर आई थी तब से, सो मायरा ऐसी मेरी टांग खींची थी कि गुरु जी के पैर छुओ, तो मैंने कहा इसमें क्या है, कर लूँगा। उस वक्त किसी एक मेकअप आर्टिस्ट ने, विच वॉज़ वेरी रॉन्ग ऑफ हिम, उसने वो स्नैप बनाई और उसने सब कुछ काट पीट के सिर्फ वो पार्ट निकाला, जैसे मैं और आप अक्सर बात कर रहे होते हैं, आप किसी को कहते हैं कि ओ सर क्या कर, वो वाला मोमेंट किसी ने उठा के और उसका आगे पीछे काट के वो उठा के लगा, ये भी कहा कि क्योंकि आप सिंधी हैं तो एक सिंधी ट्रेडिशन भी है, बट ये मैं आपको ये सेकंड पॉइंट पे मैं आपको ये बता रहा था कि अगर ऐसा होता भी तो मुझे इससे कोई शर्म नहीं आती, बिकॉज आई एम सिंधी एंड सिंधियों में हम क्या रिस्पेक्ट देते हैं जिन लोगों से हम सीखते हैं या जो करते हैं तो हम कहते हैं एंड आई थिंक ये तो मेरा कल्चर है, हजारों साल पुराना कल्चर है मेरा, ठीक है। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, ठीक है। अभी आपने बात की कि कुछ चीजें जो हैं वो एक्टर्स अपनी पर्सनल चीजें पर्सनल लाइफ में रखना चाहते हैं, बेशक वो इंडस्ट्री से रिलेटेड क्यों ना हो, तो क्या यही वजह कि आपकी एक तस्वीर आई दीपिका पादुकोण के साथ जो आपने कहा कि मैंने डिलीट करा दी, इसकी क्या वजह थी, ये टीम आपकी बड़ी पक्की है, रिसर्च मेरा एंगल सही नहीं था, मैंने कहा दीपिका के साथ पिक्चर लगनी है तो ये वाली लगनी है, राइट प्रोफाइल तो आपने दीपिका जी ने तो अपना लेफ्ट प्रोफाइल दे दिया ना, इवन तो हम दोनों ऐसे बैठे हुए थे लेकिन उन्होंने लेफ्ट दे दिया, मेरा प्रोफाइल नहीं आया पर सही, तो मैंने कहा इसको इससे पहले ये एक और पिक्चर क्यों नहीं खिंचवा लिया आपने वहां पे अपने से ही, टू बी ऑनेस्ट इट वाज अ वेरी कैजुअल काइंड ऑफ एक हमारा It was a coincidence कि हम लोग वहाँ पे थे, because जो लोग हमें host कर रहे थे, वो उनको भी host कर रहे थे और मुझे भी host कर रहे थे। तो picture निकल गया। तो we were at a common dinner and वो pictures जो ली गई थी वो निकलनी नहीं चाहिए थी, और वो again इसी तरीके से जो है, but ये पता है एक ecosystem है, अगर आपको पता हो, obviously अगर मैं हूँगा, मुझ जैसे और लोग होंगे अदाकार, हम अदाकार होंगे तभी तो ये ऑनलाइन मैगजीन चलेंगे, ऐसे बिल्कुल सही। सो इसलिए कभी कभार हमें ना एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, दैट्स ऑल आई एम सेइंग, व्हिच इज आई थिंक सबने डिलीट कर दी तो ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, ये बिल्कुल अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि हमें ये इकोसिस्टम को मेंटेन रखना चाहिए, हमें ये याद रखना चाहिए कि अगर आप अपने स्टार्स को नहीं बनाएंगे तो कल वो होंगे नहीं, और अगर कल वो नहीं होंगे तो आप लिखेंगे इसके बारे में, बिल्कुल सही बात। सो इसलिए यू नो तालियां शहरयार की इस बात पे।